दोस्तों वेलकम टू द सेकंड पार्ट। सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मैं जाता हूँ मेरी इमेज में, और अभी तक हम हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो हेडर और ये जो बैनर है, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारा इमेज एरिया, ठीक है। तो अभी तक हमने जो रिजल्ट हमको जिस तरीके से दिख रहा है, तो ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन, ठीक है, हेडर, और ये हमारा बैनर, और ये हमारा पूरा रैपर है, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और अब हम करेंगे इमेज एरिया पे काम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ और इमेज डॉट इमेज एरिया को इसकी मैं दे देता हूँ हाइट, सबसे पहले 400 पिक्सल, और इसकी विड्थ मैं ले लेता हूँ। गाइस विड्थ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, स्टिल मैं ले रहा हूँ। इमेज एरिया की मैंने ले ली विड्थ और हाइट, ठीक है। अब इसके अंदर, इमेज एरिया के अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो पोस्ट वन है और पोस्ट टू है, ठीक है। अब मैं मेरी इमेज में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये जो इसको जो पूरा है, ये है इमेज एरिया, और ये पोस्ट वन है ये वाला बॉक्स, और ये है पोस्ट टू, ठीक है। अब हमें इस पर काम करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहले जाऊँगा नीचे और यहाँ पर लिखूंगा डॉट पोस्ट वन, ठीक है। हाइट ले लूँ, विड्थ ले लूँगा इसकी, विड्थ ले ली मैंने 440 पिक्सल, ठीक है। हाइट ले लूँगा मैं इसकी 400 पिक्सल, उसका बैकग्राउंड कलर, ले लूँगा मैं ग्रे, ठीक है, और इसको भी इतने रहने देता हूँ मैं। और सेम यही चीज़ें मैं पोस्ट टू के लिए करनी है, क्योंकि हमें ये जो आप देखेंगे बॉक्स के साइज़ दोनों की एक जैसी है, तो सेम यही की है, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा, और पोस्ट वन की जगह मैं इसको पोस्ट टू कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, मैं अपने पेज पे गया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि मेरे पास दो बॉक्स मिल रहे हैं, एक ये हो गया, एक इसके नीचे हो गया, लेकिन मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे इसके पास में चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इसे फ्लोट करवाना होगा, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। ऊपर वाले को फ्लोट लेफ्ट कराएंगे हम, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि हमें एक ही बॉक्स दिख रहा है। अब एक बॉक्स कहाँ गया, एक बॉक्स हमारा पहले बॉक्स के नीचे चला गया, और फ्लोट वाला जो कंसेप्ट है मैंने एक वीडियो में समझाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। सो वो जो एक दूसरा हमारा जो पोस्ट टू वाला बॉक्स है वो इसके नीचे चला गया, अब हमें इसे भी फ्लोट कराना होगा, ठीक है। फ्लोट, अब मैं इसे फ्लोट राइट करवाऊंगा, ठीक है, अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। राइट करवा के मैं रिफ्रेश किया, तो फ्लोट इसको मैंने लेफ्ट करवा दिया और इसको मैंने राइट करवा दिया। अब जो टोटल हमारे इमेज एरिया की विड्थ है वो है 900 पिक्सल, ठीक है, और 900 पिक्सल इसकी विड्थ है, और मैंने 440 यहाँ लिए, 440 यहाँ पर लिए, ठीक है। बीच में मतलब मेरे पास 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल मैंने टोटल छोड़ी है, तो इन दोनों को अगर टोटल करें तो 880 पिक्सल होता है, तो 900 - 880 हो जाएगा 20 पिक्सल। तो ये 20 पिक्सल की हम गेप यहाँ देना चाहते थे, इसलिए हमने ये गेप यहाँ छोड़ी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ। अब हम देखते हैं हमारे पास लास्ट चीज़ बची हुई है, फुटर, ठीक है। फुटर इस इमेज में आऊँगा, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा है फुटर। अब इसमें जाता हूँ मैं और डॉट फुटर, ठीक है। फुटर में जाने के बाद इसकी मैं विड्थ दे दूंगा 900 पिक्सल, ठीक है। इसकी हाइट दे दूंगा मैं 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं इसका एक्वा, एक्वा नहीं देता हूँ मैं, ब्लू ले लेते हैं हम इसका कलर, और ठीक है इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ आकर मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास ये जो बॉक्स है वो ब्लू कलर का बॉक्स मिल गया, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो हमारी लेआउट पूरी कंप्लीट हो गई, ये दो बॉक्स हमें मिल गए, ठीक है, जो कि हमारा हेडर है, ये जो ग्रीन बॉक्स है ये हमारा बैनर है, और ये जो है हमारी इमेज एरिया है, और ये हमारा फुटर है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ये आपको बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं ऐसा करने की, तो मैं रैपर में आऊँगा, इसकी हाइट है वो हाइट हटा दूंगा, ठीक है।
हम कभी भी रैपर में हाइट नहीं डालते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रैपर की हाइट अपने आप बढ़ने लगेगी जैसे जैसे हम उसके अंदर कंटेंट डालेंगे। तो ये जो रैपर आपको दिख रहा है, इसकी हाइट अपने आप बढ़ेगी अगर हम कंटेंट डालेंगे, तो इसमें हाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने डाली ताकि आपको समझ में आए। इसको रिफ़्रेश करूँ मैं तो आप देखेंगे कि अब इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको भी हम हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर है वो भी हमने इसका हटा दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा। अब ये वाला जो पूरा हमारा जो है इसको हमें सेंटर में करना है। ठीक है, इस वाले पूरे एरिया चीज़ को हमें सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन ले लूँगा 0 और ऑटो। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो ये सेंटर में आ गया। तो ये एक टेक्निक होती है, अगर किसी भी डिव को आपको सेंटर करना है तो उसमें दो कंडीशन होती है, पहले तो उसकी विड्थ होनी चाहिए, अगर मैं ये विड्थ हटा दूं तो ये सेंटर में नहीं होगा, और दूसरा आपको मार्जिन लिखना है 0 और ऑटो। इसका मतलब होता है टॉप और बॉटम से 0 0। ठीक है, और ऑटो का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पर साइड में बच रही थी उनको 50% इधर यूज़ करना है, 50% इधर यूज़ करना है। ठीक है गाइस, इधर आके मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमारी जो कल अब एक चीज़ इसमें आप और देखेंगे वो ये है कि अगर मैं इस इमेज में जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये गेप मिल रही है, यहाँ पर हमें ये गेप मिल रही है, यहाँ पर हमें ये गेप मिल रही है। तो ये गेप हमें कैसे मिलेगी, तो वो गेप का अब हम यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं, वो कैसे होगा। मैं जाता हूँ अपने कोड पर और सबसे पहले जाता हूँ हेडर में और यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन बॉटम। ठीक है, 15 पिक्सल में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे 15 पिक्सल मुझे यहाँ पर इसकी वो मिल गई। उसके बाद मुझे आना होगा बैनर में और यहाँ भी मुझे लेनी होगी मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि ये जो बैनर है इससे नीचे इसने 10 पिक्सल इसको खिसका दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद लास्ट चीज़ जो है वो है हमारी फुटर। तो मैं जाऊँगा फुटर के अंदर और यहाँ पर लूँगा मैं मार्जिन टॉप। ठीक है, 15 पिक्सल, इसको मैंने सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे 15 पिक्सल मुझे यहाँ से मार्जिन मिल गई। ठीक है, अब मैंने मार्जिन टॉप क्यों किया, क्योंकि इसके और इसके बीच में मुझे इसकी मार्जिन चाहिए। तो मैं मार्जिन टॉप की बजाय ऐसा भी कर सकता है, इसको यहाँ से हटा के इमेज एरिया में मार्जिन बॉटम भी ले सकता था 15 पिक्सल। ठीक है, अगर ये भी करूँगा तो अब ये जो दो ग्रे बॉक्स दिख रहे हैं, ग्रे बॉक्स के नीचे की हमारी जो है मार्जिन वो 15 पिक्सल हो गई। ठीक है, एट लास्ट मैं क्या करूँगा, इनके सभी के कलर जो है वो मुझे चेंज करने होंगे। तो हेडर का जो कलर है, हेडर का हम जो है वो कलर यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें कलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको ये कलर, ये हेडर का कलर है, लेकिन हमें ये ट्रांसपेरेंट चाहिए वाइट, तो यहाँ से कलर हटा देते हैं हम और ब्लैक की जगह हम इसको कर देंगे ग्रे, ब्लू को हम कर देंगे ग्रे, येलो ग्रीन को कर देंगे हम ग्रे और बाकी सब हमारे पास इसको भी हम कर देंगे ग्रे। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, यहाँ आया, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि हमारी जैसी इमेज थी वैसा कुछ हमें यहाँ पर एक एरिया मिल गया है। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अनजूम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये मुझे स्ट्रक्चर मिल गया है। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हुई होगी कि कैसे क्या सब कुछ हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से ये एक बहुत ही सिंपल वीडियो मैंने बनाई है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जैसे जैसे हम डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन अब आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और प्रैक्टिस जब करें तब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको कोड, आपको समझना है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो एग्जैक्टली आपको समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, फेसबुक ग्रुप में पूछो, कमेंट्स में पूछो, और मैंने व्हाट्सएप पर भी अपना एक ग्रुप बनाकर मैंने उस चैट का लिंक दे दिया है, फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगा, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी उसे डाल दूंगा, आप वहां जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो ये मैंने एक बहुत ही बेसिक वीडियो बनाया है, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो तो अब थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, अगर आपको डाउट्स हो तो पूछो, और ये बेसिक तरीका है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, जैसे इसमें मैंने हाइट भी ली है, वैसे हम किसी भी चीज़ की, किसी भी एलिमेंट की हाइट ज़्यादातर फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन इस पे मैंने हाइट ली है। लेकिन हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।